हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो एक क्यू एंड ए वीडियो है। इसमें मैंने आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर किया है। सो चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट सीजन। सो गाइस, मेरा फेवरेट सीजन स्प्रिंग सीजन है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे क्वालिफिकेशंस के बारे में है। सो गाइस, मैं अभी पीजी फर्स्ट ईयर में हूँ एंड मैं पीजी एमकॉम से कर रही हूँ। व्हाट इज योर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सो मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट माई एज। सो गाइस, आप मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप गेस करके बताइए कि मेरी एज क्या होनी चाहिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। हियर इज दिस और दैट माउंटेन्स और बीचेस माउंटेन, शॉपिंग ऑनलाइन एंड शॉपिंग इन स्टोर, बुक्स और गेम्स बुक्स, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, एप्पल और एंड्रॉयड। करंटली आई एम यूजिंग एंड्रॉयड बट वांट टू स्विच ऑन एप्पल, सो एप्पल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एडिटिंग के लिए कौन सी ऐप यूज़ करती हूँ। सो मैं काइनमास्टर यूज़ करती हूँ एंड मैं कभी कभी इनशॉट भी यूज़ कर लेती हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेस रिवील कब करोगे। सो गाइस, फेस रिवील 100 के होने पर करेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब पे आपके फ्यूचर गोल्स क्या है। सो फिलहाल के लिए तो सिल्वर प्ले बटन ही मेरा फ्यूचर गोल है। आई होप जल्दी से 100 के पूरे हो जाए, फिर आपके साथ सिल्वर प्ले बटन भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अभी तक कोलैब वीडियो क्यों नहीं किया। सो होप जल्दी ही फ्यूचर में आपके साथ कोलैब वीडियो भी शेयर करेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी मंथली अर्निंग कितनी है। सो मैंने सुना है कि आपको यूट्यूब इनकम रिवील नहीं करनी चाहिए, बट मैं आपको एक एस्टिमेट बता देती हूँ। सो आप किसी भी जॉब में जो स्टार्टिंग इनकम होती है उतनी इनकम फिलहाल के लिए मेरी यूट्यूब से हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी क्वालिफिकेशन एंड एज के बारे में है। सो इसका आंसर तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम। सो इस चैनल के नेम में ही मेरा नेम है, बाय द वे माय नेम इज नेहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया मेरे को कहाँ से मिला। सो गाइस, मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मैं कुछ अर्निंग्स करूँ ताकि मुझे छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए पेरेंट्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। सो पेरेंट्स जॉब के लिए तो अलाउ नहीं करते बिकॉज स्टडीज़ भी करनी होती है। सो स्टडीज़ के साथ अर्निंग्स का मुझे बेस्ट सोर्स यूट्यूब ही लगा बिकॉज मैं इसे अपने फ्री टाइम में कर सकती हूँ एंड इससे मेरी स्टडीज़ भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। सो इस वजह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने का डिसाइड किया था। शेयर योर फुल जर्नी ऑफ यूट्यूब ऑल अप्स एंड डाउन्स। सो गाइस, इस पर मैं आपके साथ अलग से वीडियो शेयर कर दूंगी। अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। सो नेक्स्ट है फेस रिवील, सो 100K पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू मोस्ट पैशनेट अबाउट राइट नाउ। सो अभी के लिए मैं अपने स्टडीज एंड करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ। मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं जो मेरे करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इफ यू कुड गो बैक 5 ईयर्स व्हाट वुड यू चेंज अबाउट योर फ्यूचर। सो 5 साल पहले अगर मैं जाके कुछ अपने फ्यूचर के लिए चेंज करना चाहती तो मैं क्या चेंज करती। 5 ईयर्स अगो आई एम वेरी शाय, शायद अभी भी हूँ बट पहले से कम। सो मैं अपनी शाइनेस को ख़त्म कर देती जो कि मेरे फ्यूचर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता। वेयर इज़ द लास्ट प्लेस यू वुड एवर गो। सो लास्ट टाइम मैं अपने कज़न की वेडिंग में गई थी। वट आर यू कम्प्लीटली ओवर एंड डन विद। सो वैसे अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अपनी लाइफ में कम्प्लीटली ओवर एंड डन किया है बिकॉज लाइफ बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है एंड अगर आप कभी सोचते हैं कि आपने ये काम पूरी तरह से कर चुके हो और अब आप कभी नहीं करोगे। सो लाइफ में कुछ अचानक ऐसा हो जाता है कि आपको काम दोबारा करना पड़ जाता है। सो आपके व्यूज़ चेंज होते रहते हैं, ऐसी क्या याद है जिसमें आप वापस जाते रहते हो। सो कुछ अच्छी यादें होती हैं, कुछ बुरी यादें होती हैं, बट मेरा मानना ये है कि आपको बुरी यादों को भूल जाना चाहिए। सो अच्छी याद ये है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ जो हमने फन एंड मस्ती की होती है उन यादों में बार बार जाना चाहते हैं। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने कमेंट किए थे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।